हाय एवरीवन, अभिलाषा कुक स्पॉट एंड लाइफ स्टाइल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के साथ अपना वीकेंड रूटीन शेयर करने वाली हूँ। मेरी फैमिली में सैटरडे के दिन हस्बैंड लंच पे घर पे आते हैं, डेली उनका टिफिन रहता है, लेकिन सैटरडे है तो उनका हाफ डे होता है, तो दोपहर में खाना सब साथ खाते हैं। और मेरे बेटे का भी आज हाफ डे होता है, सैटरडे बेटे का और हस्बैंड दोनों का हाफ डे होता है, तो सैटरडे कुछ अलग तरीके का होता है, बाकी रोज टिफिन टिफिन रहते हैं सबके। तो आज मैं आपके साथ वीकेंड रूटीन शेयर करने वाली हूँ, आइए देखते हैं आज के दिन मैंने लंच में क्या बनाया। फ्रेंड्स, विंटर सीजन में ये हरे चने आते हैं जिन्हें बेरवा कहते हैं, तो इनको मैंने तोड़ लिया, इनकी कलियाँ उनको पानी से धो लिया है। तो आज मैं इसकी ही रेसिपी बनाने वाली हूँ, अपनी मम्मी की रेसिपी बनाऊंगी। हमारे यहाँ एकदम देसी स्टाइल में ये वाली सब्जी बनती है और खाने में बहुत ही टेस्टी होती है। और सबसे अच्छी बात कि ये विंटर्स में ही आती है, इन्हीं दिनों मिलते हैं ये हरे चने, तो हम लोग याद भी करते हैं जब 2-4 महीने बीत जाते हैं कि कब होली का समय आएगा, जब बेरवे आएंगे, फिर हम लोग इसका निमोना खाएंगे। तो आज मैं इसकी सब्जी यूपी स्टाइल वाली बनाऊंगी। तो मैंने इसके छिलके उतार करके इनके दाने अलग कर लिए हैं। इनको चुनना बहुत बुरा लगता है, एक 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 दाना, वो भी जब अकेले बैठ करके पूरे दाने साफ़ करने हो, पूरी फैमिली एक साथ साफ़ कर रही हो तो अलग बात है, अकेले तो एक एक दाना निकाल निकाल करके, क्योंकि हर बार खोल के एक ही दाना निकलता है या दो दाने निकलते हैं, तो इस तरीके से एक कटोरी भर के जमा हो गया है और इस एक कटोरी से सब्जी अच्छे से बन जाने वाली है हमारी। और इस सारे दाने निकलने के बाद भी इनको एक बार पानी से साफ़ कर लूँगी और पानी में से निकाल करके फिर मिक्सर के जार में डाल देंगे। ये सब्जी यूपी स्टाइल वाली सब्जी है और ये बिना प्याज लहसुन की सब्जी है फ्रेंड्स, लेकिन खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो मिक्सर के जार में ही मैंने अदरक का टुकड़ा डाल दिया है, हरी मिर्ची डाल दी है, आप चाहें तो अदरक का पेस्ट डाल सकते हैं और हरी मिर्ची का पेस्ट डाल सकते हैं। तो मैंने एक साथ डाल करके पीस लिया है क्योंकि अभी मैं मिक्सर में इसे पीस रही थी। और ये देखिए, इसको इस तरीके से कच्चा ही पीसा है, दरदरा सा पीस गया है, बॉईल करने की कोई ज़रूरत नहीं। अब मैंने कढ़ाई रख दी है गर्म करने को, उसमें थोड़ा तेल डाला है, तो सौंफ, राई और जीरा, इन तीन चीज़ों से तड़का लगा दिया। सौंफ, फ्राई, जीरा आधा आधा चम्मच के करीब डाला और एक चुटकी हींग डाल दिया है। तो सबका तड़का लगने के बाद एक चम्मच बेसन डालूंगी मैं तेल में, तो बेसन को भून लेंगे। आप चाहें तो रोस्टेड बेसन, यदि आपके पास पहले से भुना हुआ बेसन रखा है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास बेसन भुना नहीं था इसलिए मैंने तेल में बेसन डाल करके इसको भुना है। तो बेसन को भूनने से खुशबू बहुत ही अच्छी आती है और जब इसकी स्मेल आने लगती है भुने हुए बेसन की, तो आप समझ लें कि बेसन भुन गया है। तो मसाले हमने लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर डाली है। तो हल्दी बहुत थोड़ी सी डाली है और धनिया मिर्चा डाल दिया एक एक चम्मच। और अब ये पिसा हुआ चने का ये पेस्ट डाल दिया है। इसको जब कच्चा पीसते हैं ना फ्रेंड्स, तो इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा होता है। कुछ लोग इसे बॉईल करके भी पीसते हैं, लेकिन मुझे बॉईल करने के बाद वो पूरा टेस्ट उतर जाता है, नहीं अच्छा लगता। तो हम जब इस तरीके से भूनते हैं इसको कढ़ाई पर, तो ये देखिए ऐसे हम थोड़ी देर इसको रगड़ेंगे चम्मच से, तो ये कढ़ाई पे पहले चिपकता है, फिर धीरे धीरे निकलने लग जाता है। जब इसकी यही पहचान होती है कि ये भुन गया है, जब ये कढ़ाई में बिल्कुल नहीं चिपकता। अब नमक स्वाद के अनुसार डाल दिया है और नमक डाल करके भी इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये देखिए लास्ट में ये कढ़ाई पे बिल्कुल भी नहीं चिपकता है, एकदम ड्राई ड्राई अलग अलग ही रहता है। तो इसका मतलब ये बिखर रहा है और ये भुन गया है, चना अच्छे तरीके से भुन जाता है। आप धीमी आंच में उसको इस तरीके से रगड़ के भुनेंगे ना चम्मच से, तो वो अपने आप दिखेगा आपको कि कच्चापन दूर हो जाता है और वो पक जाता है। और उसके बाद ये इस तरीके से एक गुच्छा जैसा बनने लग जाता है, फिर उसके बाद आप चम्मच से ऐसे करेंगे तो वो बिखरने भी लगता है। तो ये अब भुन चुका है ऑलमोस्ट सारा का सारा। अगर आप चाहें तो लहसुन डाल सकते हैं, हमने नहीं डाला है। तो अब गैस बंद करके हरा धनिया डाल दिया है हमने इसमें, थोड़ा हरा धनिया हम बाद में डाल लेंगे, तो थोड़ा अभी डाल दिया। और अब क्या करेंगे, हम इसमें गर्म पानी डालेंगे। तो हमने गैस इसलिए बंद कर ली थी कि अब इसके बाद जैसे ही हम इसमें गर्म पानी डालते हैं, तो ये एकदम से पहले आपको ऐसा दिख रहा है कि पतला सा है, पानी थोड़ा ज़्यादा ही डालेंगे, मैंने करीब 2 गिलास के करीब पानी डाला है। और फिर उसको पानी में जो इसका भुना है हमने चना, तो वो अच्छे से मिक्स हो जाए। तो गैस बंद करने के बाद ही आप पानी डालिएगा, तो फिर आप इसको अभी पहले घोल लें, जितनी इसकी गांठें थी घोल घुल जाएँ जब पानी में अच्छे तरीके से, फिर आप आँच
खोल देंगे और इस तरीके से देखेंगे कि 2-3 मिनट ऐसे खोलेगा कि एकदम से गाढ़ापन आएगा। और फिर आप इसमें गरम मसाला डाल देंगे लास्ट में, ये हमने गरम मसाला डाला है। और इस तरीके से ये देखिए गाढ़ा हो गया एकदम से। उसको फिर लोहे की कढ़ाई में बनाया है हमने, तो इसको मैं बर्तन में पलट लूँगी, वरना कई बार हरी सब्जियों का फिर वो रंग काला काला सा हो जाता है। तो इस तरह से तुरंत कढ़ाई भी खाली होकर के धुल जाती है और उसको बर्तन में पलट लिया है और ये सब्जी तैयार हो गई है। इसको हरे चने का निमोना कहते हैं यूपी में, और बहुत ही टेस्टी लगता है, एकदम देसी खाना है ये आज का हमारे घर में। और इसको इस तरीके से मैं साफ़ करके रख लूँगी, क्योंकि अभी सिंक में कोई बर्तन नहीं है, तो ये कढ़ाई लोहे की है और इसमें ये रखा रहेगा हरे चने का नमूना, तो बाद में दाग धब्बे लग जाएंगे, फिर वो इजीली साफ़ नहीं होगी। इसलिए मैंने अपनी कन्वीनियंट के लिए इसको धुल करके रख लिया है। बाद में सारे बर्तन इकट्ठे धुलेंगे खाने के बाद, लेकिन ये लोहे की कढ़ाई का दाग धब्बे वाला फिर काम ख़त्म हो जाएगा। और तुरंत हाथों हाथ धुलते हैं जब लोहे के बर्तन, तो वो उसमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं होती है और तुरंत साफ़ हो जाते हैं। अब मैं आटा तैयार करूँगी, तो मैंने आटे में थोड़ा सा नमक डाला है और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए आटे को गूँथूँगी। आटे का आज मैं पराठे बनाने वाली हूँ, तो पराठे के लिए भी आटा बहुत ही चिकना रखती हूँ मैं, बहुत टाइट नहीं रखती हूँ, ढीला रखती हूँ। रोटी से थोड़ा टाइट रहता है, लेकिन फिर भी पूरियों से थोड़ा नरम रहता है। तो पराठे बनाऊँगी क्योंकि गरम गरम पराठे सबको पसंद हैं। और इस सब्जी के साथ चावल बहुत ही टेस्टी लगता है, लेकिन मैंने आज चावल नहीं बनाया है क्योंकि मेरे हस्बैंड चावल नहीं खाते हैं, और बच्चों को चावल दे दो तो फिर रोटी नहीं खाएंगे, चावल ही बस खा लेंगे, तो रोटी पराठे नहीं लेंगे। तो मैंने सोचा कि आज मैं सिर्फ पराठे बनाती हूँ गरम गरम, तो ये लोग पराठे खा लेंगे, तो आज मैं चावल नहीं बना रही हूँ। और उसको इसी तरीके से ढक के रख दिया था ताकि अब जब पराठे सेकूँगी तो फिर थोड़ा सा नरम हो जाता है आटा। और फिर पापड़ भून लिए तब तक मैंने, तो ये देखिए पापड़ गैस में हमेशा मैं इस तरीके से भूनती हूँ, आपने पहले भी देखा है। और एक एक करके सारे पापड़ भून के प्लेट में साइड में रख लिए हैं, तो बच्चे खाते रहें बीच बीच में, शुरू नहीं रहे कि पापड़ पापड़। और फिर सैलड भी काट ली है क्योंकि खाने का टाइम हो रहा है। और उसको प्याज और नींबू हरी मिर्ची हमेशा की तरह है, बस वही काट के रख ली है ताकि खाना परोसना है तो कभी बेटी भी जब सब लगा रहता है तो फिर वो भी सर्व कर लेती है, या मैं बीच में से निकाल के दे देती हूँ। तो इस तरीके से मैंने रख दिया है साइड में प्लेट में काट करके। और अब मैं पराठे बनाना शुरू करूँगी, तो पराठे का जो आटा मैंने लगा के रखा था, थोड़ा सा तेल ऊपर लगा दिया था, तो उसको एक बार फिर पंच कर लूँगी, तो एकदम चिकना हो जाता है डो इस तरीके से। और ये एक डोंगा है जिसमें मैं तेल भर के रखती हूँ, जैसे मैं कुछ भी फ्राई करती हूँ तो वो तेल कढ़ाई का इसी डब्बे में पलट लेती हूँ, और इस तरीके से स्टैंड प्लेट लगा के रख दूँगी साइड में। तो अब आटे की सारी लोइयां बना के रख लूँगी इक्वल साइज़ में। लोइयां मैं इसलिए थोड़ा थोड़े आटे का काट के रख लेती हूँ कि एक सी साइज़ की बॉल्स तैयार हो जाती हैं, और इस तरीके से फिर एक एक उठा के बेलना शुरू होता है। तो अब मैंने पराठे बनाने शुरू किए हैं, तो मैं साइड में स्टैंड में यहाँ पर रखती जाऊँगी। इससे क्या होता है, भाप में फिर नीचे के पराठे गीले नहीं होते हैं, और गोल पराठे ही बनाती हूँ मैं। और जो मेरी आदत है, चाहे मैं रोटी बनाऊँ या पराठे, मैं हमेशा पतले बेलती हूँ, मुझे पतले पसंद है बनाना। तो उसके बाद तवा चढ़ा दिया है और पराठे सिकने शुरू कर दिए हैं। ज़्यादातर गोल बनाती हूँ, कभी कभी तिकोने वाले भी बनाती हूँ, तो इस तरीके से गोल गोल बेल करके और हल्की चिकनाई लगा के बनाऊँगी पराठे में। ज़्यादा तेल नहीं लगाती हूँ, सिर्फ नाम के लिए रहता है। हर बार कलछी में ले करके सिर्फ एक साइड में चिकनाई लगाती हूँ, दूसरी साइड सिर्फ ऐसे खाली ही पलट के रगड़ देती हूँ। जैसे आपने देखा अभी, एक साइड मैंने तेल लगाया और पलट दिया, और दूसरा उसी तवे पे जो चिकनाई लगी है उसमें ही दूसरी साइड वाला घिस देती हूँ। तो बहुत हल्की चिकनाई में पराठे बनते हैं, लेकिन वो ये पराठे गरम गरम खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। एक तो पतले हैं, एकदम नरम, अगर इनको बना के कैसरोल में रख दो तो एकदम रुई जैसे सॉफ्ट पराठे होते हैं ये, और कम चिकनाई के रहते हैं तो ज़्यादा भी खाए जाते हैं। ज़्यादा ऑयल नहीं खाना चाहते हैं लोग, तो उनके लिए ये बहुत ही अच्छा तरीका है। बस एक साइड तेल लगाया और पलट करके दूसरी साइड जो रूखी है ये देखिए, इसको तवे पर ऐसे पलट के रगड़ दो उसी समय, तो बहुत ही अच्छे पराठे लगते हैं। गरम गरम तो ये पराठे बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो ये काम मैं अक्सर करती हूँ जब सबको एक साथ खाना होता है गरम, तो फिर मैं इस तरीके से बना देती हूँ।
और जो तला हुआ तेल रहता है उसका मैं यही कोशिश करती हूँ कि वो पहले ख़त्म हो जाए, रखे ना रहे। तो ये मेरी आदत में है कि जैसे जो आज कुछ डीप फ्राई किया तो वो तेल पलट के ढोंगे में रख लेती हूँ, तो उस दिन की सब्जी बनना है या कोई भी तेल का काम है तो उसी पराठे को निपटा के खाली कर लो, वरना कढ़ाई में पड़ा रहता है तो वो और अजीब सा हो जाता है तेल। और फ्रेंड्स, इस तरह के हल्के तेल वाले जो पराठे होते हैं, आप जर्नी में भी इनको ले जा सकते हैं, ये बहुत ही अच्छे होते हैं। क्योंकि कई बार ट्रेन के सफ़र में पूरी वगैरह खाने में अच्छी नहीं लगती है, तेल तेल लगता है, तो ट्रेन के सफ़र के लिए भी इस तरीके के अगर आपने पराठे सेके पतले और एक साइड आप तेल लगा करके दूसरी साइड इस तरीके से तवा से पलट देती हैं, और जब एक साथ गड्ढ लगा के रखते हैं सारे के सारे पराठों को, तो ये एकदम सॉफ्ट और नरम होते हैं। तो अभी डोंगा हटा के रख दूंगी तेल का, और जब पराठे अच्छे से ठंडे हो गए, मतलब भाप निकल गई, पूरा ठंडे नहीं हो, तो कैसरोल में कपड़ा लगा करके इस तरीके से पराठे रख करके ढक दिए। ये पराठे इतने नरम होते हैं, अगर आप इनको बासी भी पराठा देखेंगे तो भी नरम मुलायम रहता है। तो अब मैं प्लेट सर्व कर रही हूँ, तो मैंने निमोना डाल दिया है, सलाद लगा दी है, पापड़ और चपाती। बहुत ही सिंपल लंच बनाया है आज, और सबको बहुत पसंद है क्योंकि निमोना बना है, ये हमेशा तो बनता नहीं है, ये सीज़न की बात है, इन्हीं दिनों हरे चने आते हैं और फिर उसके बाद इसका निमोना बनता है, और बहुत ही टेस्टी है। सबसे पहली थाली आज फिर शुभ को ही मिली है, ये मेरी डॉटर है तो ये खा रही है तो कह रही है कि बहुत अच्छा बना है, नानी जैसा बनाती हैं वैसा ही है। और अब इसको जो सूखा आटा है उसको मैं एक डब्बे में पलट के रखती हूँ, ताकि जब अगले दिन मैं रोटी सेकूँ या शाम में आटा गूँथूँ तो इसी आटे का इस्तेमाल कर लेती हूँ। ये आटा मैं रोटी वाले डब्बे में नहीं डालती हूँ, तो अलग से एक डब्बे में रखा रहता है। और ये रोटी वाले बर्तन पानी में डाल के रख दिए हैं ताकि इनका जो आटा वाटा लगा है वो नरम हो जाएगा, जब धुलूंगी तो साफ़ हो जाएगा। तो स्टैंड हटा करके इस तरीके से गैस पोंछ दिया है, सारा सूखा आटा मैं पहले निकालती हूँ, मैं डायरेक्ट गीला कपड़ा पहले प्लेटफॉर्म पे नहीं लगाती हूँ, तो सूखे आटे को पूरा झाड़ लेती हूँ, उससे क्या होता है वो चिपकता नहीं है। तो सूखा आटा पूरा झाड़ करके और इसको भी इस तरीके से पोंछ दिया है, और उसके बाद कपड़ा गीला करके गैस और प्लेटफॉर्म पोंछ के रख दूंगी, क्योंकि आज दाल चावल ऐसा कुछ बना नहीं है, ज़्यादा रसोई में गंदगी नहीं है क्योंकि कुकर के छींटे ही रहते हैं ज़्यादातर दाल चावल वाला ये सब। आज सिर्फ रूखी रसोई है एक तरीके से देखो तो, पराठा और ये निमोना ही बना है, तो बस इस तरीके से गीले कपड़े से और एक ही चूल्हे में काम किया है मैंने आज, तो इसको निकाल दिया स्टैंड और इसको और ये पूरा प्लेटफॉर्म साफ़ करके रख दूँ, तो उसके बाद फिर मैं, शुभम और मेरे हस्बैंड सब लोग खाना खा लेंगे, तो उसके बाद बर्तन धुलने में आराम रहेगा। प्लेटफॉर्म एक बार पूरा साफ़ हो गया, गैस पहुँच गई, तो फिर सिर्फ बर्तन ही दिखाई देंगे, तो ये वाला काम से फ्री हो गई हूँ मैं। तो कपड़े गीले कपड़े से भी उसको अच्छे से पोंछ दिया है, और पूरी गैस स्टैंड सब कुछ अच्छे से पोंछने के बाद अब यहाँ का काम मेरा ख़त्म हो जाता है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं इसकी नॉब भी पोंछ करके पूरा क्लीन हो चुका है, मतलब रसोई करने के बाद रसोई का ये प्लेटफॉर्म वाला काम एकदम क्लीन कर लिया है मैंने, क्योंकि अब शाम को आज बहुत काम होगा, सैटरडे तो मेरी शाम को सब्ज़ी आएगी, तो फिर वो सारा काम रह जाता है और 3 बजे से ही शुरू हो जाता है काम। तो और फिर ये सबका खाना होने के बाद अब ये बर्तनों की धुलाई, ज़्यादा बर्तन भी नहीं है क्योंकि सिर्फ सब्ज़ी और पराठे हैं, तो ये फटाफट रसोई करके, क्योंकि शनिवार के दिन शाम को ही कई बार कपड़े भी बहुत होते हैं, तो कुछ कपड़े भी शाम में एक बार धुल लेती हूँ मैं, और आज के दिन तो सब्ज़ी भी आएगी तो वो सब भी साफ़ करके रखना, और रात के खाने की तैयारी का भी शुरू रहता है। सैटरडे बच्चे रात में डिनर में भी कुछ अपने मन चाहा चाहते हैं, क्योंकि शुभम ने निमोना तो खाया है लेकिन उसका शुरू हो गया है कि उसको आज रात में क्या खाना है। तो उसके बाद फिर इस तरीके से दोपहर की रसोई जल्दी निपट जाती है, तो फिर 3 बजे से जो शाम के काम शुरू होते हैं सैटरडे के दिन, तो उसमें ज़्यादा वक्त मिल जाता है। वीकेंड के दिन को ज़्यादा ही काम रहता है, कई बार संडे की कपड़े तो रहते ही हैं तो मैं 2 शिफ्ट में धुलने की कोशिश करती हूँ, तो शाम में भी सैटरडे को मशीन लगा देती हूँ, तो थोड़े कपड़े शाम में धुल लूँगी, फिर संडे फिर वही चादरें और यूनिफॉर्म वगैरह सब रहती है, तो वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो आज मुझे मशीन भी लगानी है, तो मेरी सेमी ऑटोमेटिक है तो उसमें तो पूरा लगना ही पड़ता है, तो मुझे अभी बर्तन के बाद कपड़े भी धुलने हैं, तो इसलिए जल्दी जल्दी ये बर्तन धुल करके फ्री होना चाहती हूँ मैं। और ये देखिए बहुत ज़्यादा बर्तन नहीं थे तो फटाक से धुल गए हैं, तवा भी ज़्यादा जला हुआ सा नहीं है तो इसलिए इसको भी साफ़ करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी आज, तो अभी उस दिन उसकी घिसाई हुई है।
आज जल्दी से साफ़ हो गया है, और गरम तवा है पराठे का तो वो अच्छे से साफ़ हो गया है घिसने के बाद। तो अब बर्तन को साइड में रख करके वाइपर से सारा का सारा पानी इस तरीके से झाड़ने के बाद मैं लास्ट में हमेशा की तरह ये सिंक भी साफ़ करती हूँ, तो उसको भी कर दूँगी। कचरा पूरा जाली में से जमा हो गया है, और लास्ट में ये इस तरीके से पूरा सिंक क्लीन करके, जो मेरी हैबिट है आपने पहले भी देखा है, और वो क्लीन करने के बाद यहाँ का काम ख़त्म हो करके और पूरा पानी से साफ़ कर दिया। और कचरा भी किचन में नहीं है, पॉलीथिन में डाल करके बालकनी में जो हमारा मेन डस्टबिन है वहाँ पर सारा का सारा डाल देती हूँ मैं। तो किचन का काम ख़त्म हो गया है, और हाथ धुल करके अब मेरी दिन की रसोई ख़त्म है, यहाँ की सेवा समाप्त है। तब तक मैंने कपड़े वगैरह जा करके धुलने शुरू कर दिए हैं, बर्तन भी सूख जाएंगे तब तक, तो फिर वापस से इनको मैं ट्रॉली में लगा दूंगी। तो अब जा करके मशीन में कपड़े वपड़े लगाना शुरू करती हूँ, तो एक दो राउंड होते रहेंगे। और ये संतरे बहुत सारे रखे हुए थे, बच्चे खा नहीं रहे हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि आज इनका जूस बना दूँ, तो शाम में बच्चों को जूस ही दे दूँगी। तो सारे के सारे छिलके उतार लिए थे और ये प्लेट में रख दिए हैं छिलके, तो इनको सुखा लूँगी, तो इनका पाउडर बना लूँगी बाद में। तो मेहंदी में डाल के लगाना भी बहुत अच्छा होता है बालों के लिए और स्किन के लिए भी, ये ऑरेंज का छिलका बहुत अच्छा है, और ऑरेंज का अक्सर मैं जूस बनाती हूँ, वीडियो भी डाला है मैंने, आप देखिएगा। थोड़ा सा काला नमक डालती हूँ और कुछ भी नहीं डालती हूँ मैं ऑरेंज जूस में, और अच्छे से शेक कर दिया है और सबके ग्लास में भर के रख दिए हैं, तो जिसको जब पीना हो तो उठाओ और पी लो, मैंने बोल दिया है। तो शाम में आज सब लोग ऑरेंज जूस पी लेंगे, और ये जूस बना करके दिया तो बच्चे आराम से पी लेंगे अपना अपना ग्लास उठा करके। और अगर बोलो कि रखा है टेबल पर, तो बस एक उठाया संतरा, हमने खा लिया संतरा, अब आ गए डलिया में, सूख रहे हैं, गर्मी के दिन हैं, बाहर रखो तो सूखते हैं, यहाँ तो गर्मी शुरू हो गई महाराष्ट्र में, और फ्रिज में रखो तो क्या ठंडा रहेगा। तो इस तरीके से मैंने जूस बना के ख़त्म किया कि ये टेबल खान में जो रखा हुआ है बास्केट तो खाली हो, और जूस बहुत इजीली पी लेते हैं बच्चे कोई भी फ्रूट से, आप उनसे बोलो तो एक दो बस बहुत हो गया। और इस तरीके से ये ऑरेंज का जूस बहुत टेस्टी भी लगता है और बहुत ही आसानी से बन जाता है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करूँगी, तो आप चेक कर लीजिएगा। तो ये जूस बनाने के बाद ही मैंने जूस के बर्तन भी साफ़ कर दिए, क्योंकि जिससे मैं जूस बनाती हूँ ये जूसर, और इसके सारे पार्ट्स मैं हाथों हाथ ही धुल के रख देती हूँ, वरना वो जूस वाले बर्तन जो हैं जूसर की फिर वो जालियों में सब चिप। अब ये मटर छील के रख रही हूँ, क्योंकि शुभम ने बोला है उसे रात में मटर पनीर खाना है, तो डिनर में मटर पनीर बनने वाला है, तो उसकी तैयारी शुरू, मतलब वीकेंड हमारे लिए सर दर्द है। फैमिली की छुट्टी होती है लेकिन हमारी छुट्टी नहीं होती है, बल्कि हमारे लिए काम बढ़ जाता है, सैटरडे संडे फुल डे वर्क होता है हम लोगों का। आई होप कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।